अब बात हिरार्की, हिरार्की होता है बेटा, जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चा है, उसके फादर है, फिर उसके दादाजी है, फिर परदादा जी है, फिर लक्कड़ दादा जी है, इस तरह से दिस इज हिरार्की, राइट। सो इन प्लांट्स द हिरार्की इज स्मॉलेस्ट। हां एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, अगर हमें एक मिनट बेटा, एक मिनट। सो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। वेरियस सेल्स यू नो ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज, वेरियस टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू सिस्टम्स, टिश्यू सिस्टम्स फॉर्म ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म। एंड यू नो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल। उसके बाद टिश्यूज आपको आपने किए हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तो ऑर्गन्स नहीं बनाते बेटा, परमानेंट टिश्यूज ही बनाएंगे, क्योंकि दे आर फॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। सो दीज परमानेंट टिश्यूज दे फॉर्म टिश्यू सिस्टम्स। विच टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। प्लांट्स में तीन टाइप के टिश्यू सिस्टम्स है, एपिडर्मल, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर। एपिडर्मल, एपिडर्मल मींस बाहर, एपी मतलब बाहर, जो प्लांट के सबसे बाहर है वो, उसका क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विच हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर आपको पता है जो मूव कर रहा है, दैट इज फॉर कंडक्शन, फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर कंडक्शन ऑफ मिनरल्स एंड फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, दैट इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देन दीज टिश्यू सिस्टम्स ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कौन से है प्लांट में? रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर्स, ऑल दीज आर ऑर्गन्स, राइट। एंड दीज ऑर्गन्स टूगेदर फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फटाफट से ये हायरार्की लिख लो, जल्दी से, क्विक। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आर फॉर्मड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, वेयर एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्मड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्मड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। इज इट ओके? नेक्स्ट आ जाइए जी। नो, कैसे? अभी हमने कहा कि कहां पर होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहां पे है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहां पे है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहां पे। लेट अस से दिस इज ए स्टेम। जैसे हम कुकम्बर काटते हैं, खीरा जो है उसकी पतली सी स्लाइस काटते हैं, ठीक है? आप ध्यान से, एवरीबडी हियर, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मैम ने क्या बना दिया, ये क्या बना दिया? तो ये मैं बता रही हूं, जैसे कुकम्बर की हमने पतली सी स्लाइस काटते हैं, तो उसके अंदर के हमें कोई सॉलिड पार्ट और कोई हमें सीड्स उसके वो नजर आ जाते हैं। इसी तरह से हम स्टेम का भी ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे ही हमने स्लाइस काटी, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। दिस इज टी एस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ऑफ स्टेम तो हमें ये राउंड सा पार्ट नजर आया, बीच में सबसे सेंटर में है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उसके बाद ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड दिस वन, ये जो है दिस इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे बाहर है, बाहर होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर सेंटर में है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
हमने फिर, ठीक है हमें पता चल गया, बट कहां पे हमें सेल्स नजर आ रहे हैं? हमने फिर इस पार्ट को हमने हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, हमने इसका छोटा सा पार्ट यहां से लेकर यहां तक इस पार्ट को हमने फिर देखा भी, मैग्नीफाई करके देखा। तो हमने ये क्या देखा कि सबसे बाहर क्या है, ये एक वैक्सी लेयर है, सेल्स की नहीं बनी हुई है, वैक्स की बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। आप वैक्स पे पानी डालो तो वो एकदम साइड में हो जाती है, वैक्स जो है पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, वो पानी को रिपेल करती है। तो प्लांट्स में से यू नो दैट देयर अकर्स लॉस ऑफ वॉटर, तो ये जो क्यूटिकल है ये पानी को बाहर नहीं जाने देती, बट पानी ने तो बाहर जाना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ट्रांसपीरेशन आपने क्लास 7th में आई थिंक पढ़ा है, सो ट्रांसपीरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स बिकॉज इट गिव्स कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट, सो देयर आर सर्टेन, ये वैक्सी लेयर क्यूटिकल तो पानी को नहीं जाने देगी है ना, तो देयर आर प्रेजेंट स्मॉल पोर्स इन द स्टेम एज वेल एज इन द लीव्स, सो दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। पढ़ा है ना आपने स्टोमेटा, यस सिक्स्थ क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दिया था है ना, जब गेटिंग टू नो प्लांट्स वाले में, स्टोमेटा, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन ग्रीन स्टेम्स एज वेल एज लीव्स, ठीक है, थ्रू विच द वॉटर इज इवेपोरेटेड बाय ट्रांसपीरेशन। दिस वन, ये क्या है, ये जो सेल्स है ये है एपिडर्मिस, आप देख रहे हो थिन वॉल्स है, पेरेन्काइमा के बने हैं ये, इसके नीचे ये कौन से सेल्स नजर आ रहे हैं आपको जल्दी से, जिसके कॉर्नर्स में थिकनिंग है, क्या बोलते हैं उसको, कौन से सेल्स है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, कि स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा, बिल्कुल ठीक है, ये जो है ये बनती है कोलेन्काइमा से, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस, चलो ना भी याद रखो, बट दिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। उसके बाद ये है कॉर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, ये पेरिसाइकल, और इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, फ्लोइम है, जाइलम है, ठीक है। तो अब दोबारा से अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे बाहर है क्यूटिकल, फिर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम एंड जाइलम। आपको बहुत ज्यादा नहीं याद रखना ना, तो ये क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूं जो आपके बुक में दी हुई है, क्यूटिकल एपिडर्मिस कॉर्टेक्स फ्लोएम जाइलम, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड दिस इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इज इट ओके, यस और नो, मैम यस। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोटेक्शन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंडक्शन, इज इट ओके। आई डोंट थिंक कि कोई भी ये पूरा डायग्राम आपको देगा,
ठीक है, ये आपकी बुक में बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन्ड भी बुक में नहीं है, बट पता जरूर होना चाहिए आपको कि ये कहाँ से आया, कैसे आया। इज इट ओके? यहाँ पे स्पेसिफिक जो है आप क्यूटिकल राइट डाउन, क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर, जल्दी से, क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर। वैक्सी आउटर मोस्ट लेयर अराउंड स्टेम एंड लीव्स। क्यूटिकल इज ए वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स। इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन, इट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। उसके बाद आ जाइए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस प्रोटेक्टिव लेयर। इन ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स द एपिडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्टोमेटा, टू फॉर्म स्टोमेटा। स्टोमेटा हैज ए पोर, स्टोमेटल पोर, सराउंडेड बाय, स्टोमेटा हैज ए पोर दैट इज स्टोमेटल पोर, सराउंडेड बाय किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स। किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, स्टोमेटा हेल्प्स इन, स्टोमेटा हेल्प्स इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ गैसेस, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। एंड ट्रांसपीरेशन, एंड व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज लॉस ऑफ वॉटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर्स। इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ठीक ठीक है जी, है, सो दिस इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यू नो, हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड। अब एक और चीज है, इन वुडी प्लांट्स, ध्यान से सुनना है, जब प्लांट में कोर कहा जाता है, बार कहा जाती है, तब क्या हो रहा है? इन वुडी प्लांट्स
क्यूटिकल, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। इट बिकम्स डेड एंड स्लव्ड ऑफ। स्लव्ड का मतलब है ये प्लांट से अलग हो जाते हैं। जिसको स्लव्ड का मतलब नहीं पता होगा, ब्रैकेट में लिख लेना, सेपरेट फ्रॉम द प्लांट। खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर क्या हुआ, क्यों मर जाते हैं, या उसके बाद क्या होता है? सेकेंड है, आप यहाँ पे देख रहे हो कॉर्टेक्स कई लेयर्स की है, तो आउटर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। बी डिफरेंशिएट, वेरी इंपॉर्टेंट, टू फॉर्म केम्बियम। कौन सा केम्बियम? कॉर्क केम्बियम। दे डिवाइड एंड फॉर्म्स डेड कॉर्क आउटसाइड। ठीक है, अगर हम यहां पे देखें, यहां पे कॉर्टेक्स की कुछ लेयर्स जो है वो मेरिस्टम्स बन गई। दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क केम्बियम। इसने डिवाइड करना शुरू कर दिया और बाहर वाली तरफ इन्होंने क्या बना दिए? मेनी लेयर्स ऑफ मैम, जी बेटा, केम्बियम केम्बियम क्या होता है? बेटा एक टाइप का मेरिस्टम है, लेटरल मेरिस्टम है। केम्बियम इज मेरिस्टेमेटिक स्ट्रक्चर हू सेल्स कैन डिवाइड। ठीक है, तो आप केम्बियम ना लिख के आप कह सकते हो डी डिफरेंशिएट टू फॉर्म मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, केम्बियम नहीं भी याद रहेगा, नो प्रॉब्लम, दे फॉर्म लेटरल मेरिस्टम एंड इट सेल्स डिवाइड टू फॉर्म थिक वॉल्ड। ये सब थिक वॉल्ड है, टू फॉर्म कॉर्क। आप कॉर्क केम्बियम ना लिख के यू कैन राइट लेटरल मेरिस्टम टू फॉर्म कॉर्क। बट अगर सब थिक हो जाएंगे, कॉर्क इतना थिक वॉल्ड हो जाएगा तो अंदर गैसेस कैसे जाएंगी? स्टोमेटा भी खत्म हो गए, एपिडर्मिस भी खत्म हो गए, पर फिर भी अंदर गैसेस ने तो जाना ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर आर फ्यू थिन वॉल्ड सेल इन बिटवीन कॉर्क। कुछ थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रह जाते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेंटी सेल। यहां से इंटरसेलुलर स्पेसेस भी है, राइट? सो डेड कॉर्क सेल्स आउटसाइड, दीज आर प्रोटेक्टिव। लेंटी सेल्स स्मॉल एरियाज
इन द कॉर्क मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। लेंटी सेल्स का फंक्शन पूछा जा सकता है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मेंट फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो एक रफ सा डायग्राम जरूर बना लो जल्दी से एवरीबडी, ठीक है? ये सारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, जितना भी है आप एक बार इसको घर में जाकर जरूर देखो। यू नो दैट कि भी कौन सी साइट पे जाकर देखना है। क्विकली ड्रॉ दिस।